गुड इवनिंग सर। जय माता दी, बोलो जी। सर मैं तो अभी तक पूरा फ्रेशर हूँ और सर मैं जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से हूँ सर। तो सर मेरे को आगे जाके फोर्थ इंजीनियर का तैयारी करने का है, तो इसलिए सर मैं अभी कॉम्बो पैकेज भी सर ले लिया हूँ, मतलब पढ़ाई शुरू कर लिया हूँ अभी से, और सर एक साल मेरा हो गया है सर। उसे यार तुम एग्जाम देना चाहते हो तो तुमने कॉम्बो पैकेज क्यों लिया? सर क्योंकि ना सर मेरे को अभी से मतलब पढ़ाई और बेसिक नॉलेज मेरे को चाहिए सर, क्योंकि सर जीपी रेटिंग बैकग्राउंड में सर इतना नॉलेज तो हमको रहता ही नहीं है, तो तुमने पूरा इंजन का पूरा नॉलेज। तो तुमने ड्रीमर पैकेज, विजनरी पैकेज करने के बाद एक भी सेल मारा है जहाज पे? अभी तक नहीं मारा है? नहीं सर, एक सेल हो गया है सर मेरा। तो कुछ लगा? तुमने ड्रीमर पैकेज देखा है पूरा? थोड़ा थोड़ा सा कितना परसेंट समझ में आया, बिल्कुल सच सच बताना वरना क्वेश्चन पूछ लूंगा तुमसे। डरो मेरे से, तुम घबराहट में रहो, मैं खतरनाक आदमी हूं। सर अभी मैं स्टार्ट किया हूं। हां जी सर, हां जी सर, सर अभी मतलब सेल करके आया मैं, तो उसके बाद मेरे को जब मतलब जरूरत हुआ, मतलब ये जानने का है वो जानने का है, जब जरूरत हुआ पूरा आपसे ही मेरे को मतलब मिला कि हाँ आपके ड्रीमर पैकेज से और विजनरी पैकेज से मेरे को कुछ समझ आएगा बेटा। तो मैं उसके बाद मैं अभी अभी लिया हूँ सर। अब लिए हो तो अब बस माता रानी का नाम लेके एक एक वीडियो देखना शुरू करो और लाइन से जितना समझ में आए उसे दिमाग में डाल के लिख लो, जो समझ में ना आए वीडियो देख के उसे भी लिख लो, उसे भी लिख लो। ये एक मोटी नोटबुक है, ये एक मोटी नोटबुक, और ये जहाज पे साथ में लेके जाओ। फिर जब जहाज पे गए, फोर्थ इंजीनियर से बहुत अच्छे से दोस्ती रखो, फोर्थ ईयर अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो थर्ड ईयर से दोस्ती करो, और फिर नोटबुक लेके कि सर ये मैंने वीडियो देखा था, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप बता सकते हो, या सर ये कैसे काम करता है। भूख होनी चाहिए, सब चीज आएगी, बट तुम्हें रास्ता भी दिखा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म भी दिखा रहा हूँ, फोर्थ इंजीनियर। और अभी बैठ के नोट्स बना शुरू तो भूल जाओगे सब कुछ। जब भी मेरा वीडियो देखोगे हमेशा टेबल पे रख के, पेंसिल कॉपी लेके, पेन लेके, हमेशा तभी देखोगे, ऐसे नहीं टाइम पास के लिए कभी नहीं देखो, कभी नहीं। और हमेशा देखते देखते बनाओगे नोट्स, यार ये क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, क्या बताया, समझ में नहीं आया तो उसको हिंदी में देखने के लिए यूट्यूब का, अच्छा इसको ऐसा कहते हैं, अच्छा ओके, विस्कोसिटी का मतलब हिंदी में ही होता है अगर तुम हिंदी मीडियम के पढ़े हो। हिम्मत नहीं हारनी, अभी से लगे रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने अंदर रखो इस चीज को, और हर दिन मेहनत करो, हर दिन मेहनत करो, तुम जरूर कामयाब बनोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे चल के भी जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब भी तुम्हें पूरा गाइड करूंगा, तब तक मैं पूरी जानकारी निकाल लूंगा कि कहां से एग्जाम देने हैं, कैसे देने हैं, क्या सही तरीका है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, और हो सका तो उसका एक पैकेज ही बना दूंगा। ठीक है? नहीं आपका सर एग्जाम जो दे रहे हैं सर वो भी हम देखे थे, एक ऑयलर जो थे वो मतलब रेटिंग बैकग्राउंड से भी फोर्थ इंजीनियर हुए थे, ये चीज सर उनका भी सर वीडियो पूरा देखे थे हम, उनको भी नोट करके रखे कि हां ऐसे ऐसे करने गए। अभी ऐसे और बहुत सारे गूगल में ऐसे बहुत सारे और वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारे और लोगों को लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय माता दी, हाय, जय माता दी।